एमएस एक्सेल का आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे आप प्रिंट कर तो प्रिंट करने के बाद आप चाहते हो कि आपको सेकंड पेज पे भी ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी वगैरह, वो सेकंड पेज पे भी प्रिंट हो, लेकिन वो होता नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे वो आज मैं ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। सिंपल सा आपको, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ Ctrl+F2, उसके बाद आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पे तो ये सारा कुछ आ जा रहा है, उसका जब मैं सेकंड पेज जब प्रिंट हो रहा था तो सेकंड पेज पे नहीं आ रहा वो हेडिंग। तो सेकंड पेज पे कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको यहाँ जो आप देख सकते हो पेज लेआउट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो पेज सेटअप का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता होगा। पेज सेटअप पे आपको थोड़ा सा राइट आ जाना है। यहाँ पे एक आपको साइन टाइप का दिखता होगा, एक एरो टाइप का, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो आप देख रहे हैं सीट, ये सीट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो आप देख सकते हो रो टू रिपीट एट टॉप, जो आप देख सकते हो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो बॉक्स है ये बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी रो को सेकंड पेज पे या फिर जो जितना भी आपका पेज है सब पेज पे अगर आप करना चाहते हो, सिंपल सा आपको उस रॉ को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ जो आप देख सकते हो साइड पे आपको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट हो चुका। सेलेक्ट होने के बाद आपको सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप इसको आप प्रिंट करके देखो। जैसे मैं Ctrl+F2 को मैं प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद ये प्रिंट आ चुका है। देखिए फर्स्ट पेज पे ये जो दिख रहा है, फर्स्ट पेज पे दिख रहा है, आप देखते हैं सेकंड पेज पे दिखता है कि नहीं। देखिए दोस्तों सेकंड पेज पे भी ये हेडिंग आ चुका है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।